नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ HP पुलिस एग्ज़ाम में आ सकने वाले संभावित प्रश्नों को लेकर के 80 प्रश्नों का एक सेट बनाया गया है। इसमें मैं आपको सभी जितने भी टॉपिक पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में सम करवाऊँगा। सबसे आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब हर एक की 15-15 कीजिए। औसत का मतलब ही ये होता है कि हर एक की 15-15, भले ही उनके अलग हो लेकिन औसत निकालकर सबकी एवरेज 15 की आ रही है। 10 नए छात्रों के प्रवेश से औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 10 और आ गए तो अब जो 50, पहले 40 बच्चों का औसत था 15 वर्ष, 10 और के आ जाने से औसत हो जा रहा है 50 बच्चों का 15.2 वर्ष। तो इन नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर 10 जो बच्चे आए हैं वो 15 साल के ही आते तो 50 बच्चों की औसत आयु टोटल 15 ही रहनी थी। इसका मतलब औसत में यदि वृद्धि हुई है तो वो जो आए हैं 10 नए, वो कुछ ना कुछ ज़्यादा लेकर आए होंगे, जो इन सभी 50 में बटने पर हर एक के हिस्से में 0.2 वर्ष आता है। हम क्या करेंगे, हम इसमें जो 50 बच्चों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 को, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि 10 इसका आता है 10। 10 वर्ष जो है वो जो 10 नए बच्चे आए हैं वो एक्स्ट्रा लाए हैं। एक्स्ट्रा किससे, 15 से एक्स्ट्रा 10 वर्ष लाए हैं। 15 आते, 15 वर्ष लाते, वो 10 बच्चे अगर 15 ही वर्ष लाते तो औसत 15 ही रहनी थी, तो 10 वर्ष एक्स्ट्रा लाए हैं और बच्चे कितने हैं, 10 ही है। इनके हर एक के पास एक साल ज़्यादा है, यानी 15+1 16 साल का एक बच्चा है। 10 बच्चों के पास 10 के 10 बच्चे 16 साल के होंगे ऑन एन एवरेज, तभी वो इतना 10 लेकर आ सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि जो नए बच्चे आए हैं उनका औसत कितना हुआ, 15 साल के तो है, लेकिन जो 0.2 बढ़ोतरी हुई है वो 10 वर्ष एक्स्ट्रा लाए थे उससे हुई है, क्योंकि वो 10 छात्र हैं इसलिए वो होगा 16 वर्ष। अगला देखते हैं, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर देने से चौड़ाई में 10% की कमी कर की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, क्या होगा बताया जाए। ऐसे प्रश्नों में आपने क्या करना है, जो वृद्धि की जाए उसको 100 में ऐड करना है। मैंने 100 में ऐड कर लिया, क्या वृद्धि कितनी है, 10%, और उसको जो है, और दूसरा जो कमी की जाए उसको 100 से माइनस कर देना है, वो कमी भी मैंने कर ली 90। ऐसे करके आपने इसको 100 से डिवाइड करना है, तो जो आ जाएगा उसमें से 100 को घटाना है। यहाँ आ जाएगा 110 माइनस 90, 110 गुना 110 गुना ये 10 है, 110 गुना 90 बटा 100, 110 गुना 90, 10% की वृद्धि हुई है तो 100 का 110 बन जाएगा, 10% की कमी हुई है तो 100 का 90 बन जाएगा, बटा 100 और माइनस होगा 100 से। अभी देखिएगा, 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, 11, 9, 99, 99 में से 100 नहीं जाता है तो -1 आंसर आएगा। -1 आने का मतलब है 1% की कमी हुई है, +1 आता तो वृद्धि हुई होनी थी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो जितना कि उसको 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, उतना ही लाभ हो जितना 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लो कि ये उसकी क्रय मूल्य की लाइन है और ये हमने बनाया है कि ये यहाँ से अगर उसको 455 का हम बेचते हैं तो हमें इतना लाभ होता है, कितना, ये उसका CP है, कॉस्ट प्राइस है इतने का, अगर हम उसको इतने में बेचते हैं तो हमें ये X पॉइंट का लाभ हो जा रहा है, और उतनी ही हानि होती है जितना लाभ हो, कब, जब इस वस्तु को यहाँ 425 और 355 में बेचें तो उतनी ही हानि होती है, ये मतलब ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होगा। अब 425 में आप 355 को घटा देंगे तो कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर 70, और वो 70 जो गैप है ये किसके बराबर हुआ, X और X 2X के बराबर हुआ, ये 70 का गैप, X इधर का था, X ये वाला था और X ये वाला था, तो ये होगा 2X बराबर है 70, आपका X आ जाएगा 35। यानी कि ये CP जो है यहाँ से लाभ लेने के लिए 425 पर पहुँचे हैं, तो अगर 425 में से हम 35 कर दें तो हमारा CP आ जाएगा, या फिर जो हानि वाला है उसमें से 35 ऐड करेंगे तो भी हमारा CP आ जाएगा। आप 425 में से 35 घटा लीजिए या 355 में 35 ऐड कर लीजिए, आपका उत्तर आएगा 390, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं, यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा, अभय की चाल किलोमीटर में कितनी होगी। आप एक बात देखिएगा, चाल अगर दुगनी हो जाती है तो समय आधा हो जाता है, ये बात, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, चाल अगर दुगनी हो जाए तो समय आधा हो जाता है। मान लो कि समीर इतना टाइम लगाता था यहाँ तक, अभय जो है नॉर्मल चाल से चल के 2 घंटा फालतू यहाँ तक लगाता था, 2 घंटे यहाँ पहुँचता था इतने टाइम में, उसके बाद जब उसने चाल को दुगना कर लिया तो 1 घंटा कम लगा, लगने उसको यहाँ पहुँचने लगा, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 2 फालतू होते थे, यहाँ 1 उस दूसरे समीर से कम लगने लगा, तो कुल उसका कितने घंटे का फ़र्क पड़ा उसकी चाल दुगनी हो जाने से, वो 3 घंटे रिकवर कर गया, चाल दुगनी करने से वो 3 घंटे रिकवर कर गया। मैंने बताया कि अगर चाल दुगनी कर दें तो समय आधा हो जाता है, इसका मतलब 3 घंटे का फ़र्क उसको पड़ा तो पहले कितना लगता था उसका, 6 घंटे, 6 आवर लगाता था वो, अगर वो पहले 6 आवर लगाता था तो 30 जो है इसको आप 6 आवर से डिवाइड करेंगे तो उसकी पहले की जो 30 जो है किलोमीटर का है और 6 उसके घंटे हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जो है वो आ जाएगी, ऑप्शन बी। एक नाव धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के विरुद्ध 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, धारा का वेग कितना है। इस प्रकार के समय में नाव जो धारा की दिशा में जा रही है और वही नाव जो धारा के विरुद्ध जा रही है, इन दोनों स्पीड्स को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नाव की शांत पानी में स्पीड, लेकिन यहाँ उसने धारा का पूछा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर ऐसा हो तो आपने जो धारा की दिशा में गई है उसमें से विरुद्ध आने वाली दिशा को घटाना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ आ जाएगा हमारा, इसमें से कहेंगे 7 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कट करा देगा, 3.5 धारा की गति है, ऑप्शन सी। राइट आंसर। उसके बाद आपका आएगा, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि बी तथा सी इसी काम को 12 दिन में और सी और ए इसी काम को 15 दिन में मिलकर करते हैं, सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए और बी, इनका हो गया 8 दिन, बी सी का प्लस का निशान लगा लीजिएगा बीच में, इसका 12 दिन और सी प्लस ए 15 दिन, इनका सब कैल्शियम लें तो आपको आ जाएगा ये 120 आया। इसका मतलब है कि मान लो जो काम है वो 120 पेंटिंग्स बनाने का है, तो ए और बी जो है 1 दिन में 8 दिन में काम समाप्त करते हैं, इसका मतलब वो 1 दिन में कितनी पेंटिंग बनाते होंगे, 15, क्योंकि अब 15 × 8 = 120 होता है, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, वो 1 दिन में 15 बनाएंगे तभी 8 दिन में उनकी 120 कंप्लीट हो जाएगी। बी प्लस सी जो है वो 1 दिन में कितने बनाते होंगे, 120 को 12 से डिवाइड करना है और 10 आ जाएगा, और जो सी प्लस ए है ये 1 दिन में कितने बनाएंगे, ये 15 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं तो 1 दिन में 8 बनाएंगे। अब आपके पास आ जाता है इनका एक एक दिन का काम, अगर आप 2 ऑप्शन हैं आपके पास, इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 2 टाइम विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का काम, और ये टोटल काम आ जाएगा, उसको आप 1/2 कर देंगे क्योंकि 2 जो इधर है वो उस तरफ चला जाएगा, तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का काम आपके पास आ जाएगा, उसमें से आपने ए और बी के काम को कम कर देना है, इनके 15 दिन कम कर देने हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास सी का काम आ जाएगा, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, आप इन 2 को ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो 10 और 8 18 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 times C प्लस ए प्लस बी बराबर है 18 दिन, 10 और 8 18। अब क्या होगा, इस वाले में से आपने ऊपर वाले को कम करना है, ऊपर वाला यानी कि ए प्लस बी बराबर है 15, अब ए प्लस बी यहाँ से कम होगा तो इसमें से ए भी कट जाएगा और प्लस बी ये यहाँ से, ये दोनों कट जाएंगे और 15 यहाँ से लेस हो जाएगा, बचेगा 3 दिन, कितना बचेगा 3 दिन, वो कौन आएगा 2C, आपके पास आता है 2C की वैल्यू आती है 3 days, 2C की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3 days, तो आप इसको 2C = 3 और C का आ जाएगा 3/2 यानी कि डेढ़,
ठीक है जी। इसका एक दिन का काम कितना है, 1.5 यूनिट्स, यानी कि अगर पेंटिंग्स भी बनानी हो तो एक दिन में 1.5 ही बनाता है। अब मैंने बताया था एलसीएम लेकर आप बता जान चुके थे कि टोटल कितनी लगनी है, टोटल आपकी लगनी थी 120 डिवाइड बाई 1.8, इसमें आ जाएगा आपका काट कर, ये एक पॉइंट जो यहाँ नीचे था उसको मैंने ऊपर 0 में ले गया और इसे काटा तो वो आ जाएगा 80 डेज, यानी कि सी अकेला काम करेगा तो 80 डेज लगा देगा। इसके बाद है अगला कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। अब आप देखिएगा SI का फार्मूला जो होता है, SI का फार्मूला होता है, SI जो है ये होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। P आपके पास SI आपके दिया है 450 रुपये और P दिया हुआ है आपको 10,000, R आपको 6 दिया है, T आपको दिया नहीं है, बटे में 100। इस 100 की 2 जीरो से 10,000 की 2 जीरो कट गई, ये 100 और 6 जो है, इस जो 100 × 6 600 जो है 450 के नीचे आ जाएगा, वो T के बराबर होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 450 डिवाइड बाई 600 इक्वल टू T। यहाँ से इसको काटेंगे तो अब ये 15 × 3 = 45 और साथ में 1 जीरो, और ये आ जाएगा 15 × 4 = 60, साथ में ये 0, इस 0 से 0 कट गई, 3/4 ईयर्स, टी इज इक्वल टू आ गया 3/4 ईयर। अब ईयर की जगह पे एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12, मैंने 12 लिख दिया, फिर कट गया 1 और ये 3, क्योंकि महीने लिख दिए तो 3 × 9, 9 महीने का समय आ जाएगा जो कि इसको लगेगा, तो 9 महीने का टाइम आपका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखते हैं, इस समय आप देखिएगा ये इसमें उसने पावर एंड इंडिसेस का लिया, घातांक एंड करणी का, 64 को की पावर दी है उसने 2x-5, हम 1/1 करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 64 की पावर है 2x-5, इसको 64 का लिखता हूँ मैं 2^6, बाहर आ जाएगा 2x-5, अंदर आ गया ब्रैकेट के, अब ये 2 की पावर आ जाएगी 6×12x-30, ये आ गया मेरा LHS। यहाँ से आप देखिएगा, इसको याद रखिएगा, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और दोबारा से दूसरी RHS साइड पर सॉल्व करते हैं हम। RHS राइट हैंड साइड में क्या है कि 4 × 4 को मैंने लिख दिया 2^2, 8 को लिखा मैंने 2^3 और अंदर ब्रैकेट में है x-4। अब आप देखिए 3 से गुना हो जाएगा, 2^2 तो रह गई, गुना 3x-12, क्योंकि अब ये रकमें गुना हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ऐड क्या हो रहा है, 2^2 + 3x-12, तो क्या आ जाएगा 2^3x-10। अब राइट हैंड साइड में आपका आ गया 2^3x-10, लेफ्ट हैंड साइड का याद कीजिए वो कितना आया था 2^12x-30, क्योंकि ये 2^2 थी उधर भी इधर भी, अगर ये बीच में बराबर का निशान है तो पावरें भी बराबर होंगी, 2 2 के बराबर है तो इसका मतलब इसकी पावरें भी बराबर होंगी, तो ये आ गया आपके पास 2^ आ जाएगा आपके पास 2^12x-30 बराबर है 2^ यहाँ आया था आपका 3x-10, ठीक है जी। अब ये बराबर आ जाएगा 12x-30 बराबर है 3x-10। अब ये 3x को मैं 12x के पास ले आता हूँ, 3x यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू के तरफ दूसरी तरफ को जाकर इनका नेचर बदल जाता है, ये -10 है, यह -30 था लेकिन इधर आकर क्या जाएगा प्लस का 30। अब ये देखिए ये बचेगा 9x और बराबर आ जाएगा ये इसमें से करके 20, तो एक्स की वैल्यू आपके पास बचेगी 20/9, ऑप्शन ए, ठीक है सर। इसमें अब आता है आपका अगला प्रश्न कि 269 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो इस प्रकार प्राप्त योग संख्या का एक पूर्ण वर्ग हो। 269 के बाद अगर वर्ग देखा जाए तो 289 है, 269 के बाद अगर वर्ग देखा जाए तो क्या है 289, 17 का होता है जी वो 17 का, तो मेरे को देखूंगा भी अगर 269 में कितना कमी आ रही है, इसमें से कम करके देखता हूँ तो 20 की कमी है, तो मतलब 20 जोड़ देंगे तो 289 आ जाएगा और वो क्या है पूर्ण वर्ग होगा।
इसके बीच में कोई भी और वर्ग नहीं है, 269 से लेकर 299 के बीच में कोई वर्ग नहीं है, इसलिए आंसर है 20। ठीक है, आप वर्ग याद रखेंगे, क्यूब याद रखेंगे, टेबल आपको याद होंगे, तो मैथ आपका बहुत जल्दी और बहुत फास्ट होगा। अगला है कि वर्ष 2021 के अंत तक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी थी, वो था रुपया। ऑप्शन ए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव आपकी मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के हमारी मदद करता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो याद रखिएगा कि वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है। इसमें से आयरिस का क्या काम है, आयरिस का काम है जब हम तेज प्रकाश में जाएं, बहुत ज़्यादा प्रकाश हो तो हमारी पुतली को सिकोड़ दे, यानी कि पुतली में से होकर प्रकाश आँख के अंदर जाता है, तो जब पुतली को सिकोड़ देगा तो अंदर जाने की प्रकाश की मात्रा सीमित हो जाएगी, और जब हम अंधेरे में जाएंगे तो पुतली को फैला देगा, जिससे कि प्रकाश की आँख के अंदर जाने की मात्रा बढ़ जाएगी, ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो आयरिस का क्या काम है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, ये चीज़ तो कोरोना में आपने बहुत देखी होगी कि वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, उसको बढ़ाना, रोगों के अगेंस्ट लड़ना। ऑप्शन सी। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो बीज है। नेस्कैफे की एड में आपने देखा होगा कॉफ़ी के बीजों को सुखाते हुए। अच्छा, एक अगला है जी ये आ गया जी आपका रीजनिंग, विधायक रेशो विधानसभा डबल रेशो सरपंच डैश। जिस प्रकार इसको ऐसे कैसे गिनना है आपने, कि जिस प्रकार विधायक विधानसभा से संबंध है, तो सरपंच का संबंध किस चीज़ से होता है, सरपंच जो है वो पंचायत से संबंधित होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी पंचायत। भिन्न शब्द चुने, भिन्न शब्द है आपके पास पनीर, दूध, घी, दही, इसमें से भिन्न शब्द, इसमें से भिन्न शब्द है दूध, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो दूध से बनने वाले ही प्रोडक्ट हैं, इसलिए भिन्न शब्द क्या हो गया आपका, दूध। और उसके बाद है किसी यदि किसी भाषा में गौन को आई एल ई वी लिखा जाए तो ड्रिप, तो उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न करने से पहले आपको एक सलाह देना चाहूँगा, पेपर में जब भी समय मिले एकदम से फटाफट ए बी सी लिख लेनी है, और हो सके तो उस पर नंबरिंग भी कर देनी है 1 to 26। ठीक है, अगर आपको ये काम पेपर शुरू होने से पहले करने को मिल जाता है तो आप उस पर 1 to 26 एक साइड को 26 तक, 1 से लेके 26 तक एक साइड को नंबरिंग कर दीजिए, फिर नीचे से जेड से लेके ए तक 1 to 26 उल्टी नंबरिंग भी कर दीजिए, हो सकता है पेपर में कोई भी रीजनिंग का समय आए तो आपके ये काम आ जाए। इसलिए अच्छा, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, इसमें जो दिया हो आपको, जो जिस वर्ड को कोड किया गया है, पहले वो वर्ड लिखो, उसके नीचे जो उसका कोड है वो लिखो आई एल पी वी। अब आप इसमें से रिलेशन बनाएंगे, जी के एक अक्षर छोड़कर आई है, तो जी में प्लस 2 किया गया है तो आया, ओ से एल पर आए हैं तो ये इसका माइनस 3 हुआ है, 3 पीछे को गया है, एन से पी पर आए हैं तो फिर प्लस 2 हुआ है, ई से बी पर आए हैं तो फिर प्लस 3 हुआ है, सॉरी माइनस 3 हुआ है। इसी प्रकार से आपने ड्रिप की बारी पे भी वही करना है, इसमें प्लस 2 करेंगे डी से, डी के बाद आता ई तो एफ आ जाएगा आपका, फिर आर जो है इससे वापस जाना है तो R से वापस तो पीछे जाएंगे 3 तो आएगा O। आपने बस इतना ही करना है, ये जो सेकंड ऑप्शन देखो F से शुरू होने वाले ऑप्शन कितने हैं, 2 पहले ही एलिमिनेट हो गए, O से उसके F के बाद O आने वाला कितना है, 1, तो आपने उसको टिक करना है। इसके बाद आता है अगला श्रृंखला परीक्षण, इसमें क्या है, पहला है 10, 22, 38, 58, 82। आप इसका क्या है, इनमें गैप देखिए, गैप कितना है, देखिए 10 और 22 में गैप है 12 का, 22 और 38 में गैप है 16 का, और 38 और 58 में गैप आता है 20 का, आगे गैप आता है 24 का, उसके बाद गैप आना चाहिए 28 का, तो 82 प्लस 28 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 110। अच्छा, उसके बाद अगला देखिए आप सी सी बी बी वाला, इसमें क्या है, यहाँ देखने से पता लग रहा है कि बीच में सी ए लिखा हुआ है, यहाँ सी से शुरू है, तो मैं चाहूँगा कि जो ए से शुरू होते हैं हम उन पर ध्यान फोकस करें, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हम पहले ही काट देते हैं, फिर सी के बाद यहाँ मैंने ए लिख दिया, सी ए बी बी बी, अब बीच में 4 बी आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना मैं एक बी इसमें ए की बजाय बी वाला ऐड करके देखूँ, तब क्या आ रहा है, यहाँ बी आ जाएगा, अब ये बन गया सी ए और 4 टाइम बी, आगे फिर सी ए 4 टाइम बी है, उसके बाद फिर से यहाँ सी आना है तो सी ए
बी तीन टाइम आ जाएगा, चौथा बी यहाँ से फिर आ रहा है, तो मतलब पता लग रहा है कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है, यदि किसी वर्ष फरवरी को किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखिए, इस प्रकार के सम करने के लिए आपने क्या करना है कि जितने भी दिन होंगे, जिस महीने में दिन होंगे, ये मन में याद रखिएगा। दो बातें चीज़ याद रखनी, एक कि जैसे आपने कर लिया, इसको क्या मान के चलना है, जैसे नंबरिंग याद कर लीजिए कैसे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। तो मंडे के लिए एक, ट्यूसडे के लिए दो नंबर, वेडनेसडे के लिए 3 नंबर, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5 और सैटरडे के लिए 6 और संडे के लिए 7। मंडे को एक नंबर गिनना है, संडे को 7 या 0 आप गिन सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि जो जो आपको यहाँ पर जो भी दिन मिलेंगे आपको, जैसे मान लो फरवरी का महीना 28 का है तो इसको 7 से भाग देंगे तो 0, अगर कोई महीना 30 का है उसको 7 से भाग दें तो कितना बचता है, 4 से कट जाएगा और शेष बचेगा 2। ये जो शेष होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें शेष 0 था, इसमें शेष 2 था। 31 वाले में जब हम 7 से भाग देते हैं तो कटता है 4 से और शेष बचता है 3। हमारे लिए जरूरी क्या है, 31 वाले में शेष 3 और जो 30 वाला है उसमें शेष 2 और उसके बाद 2 फरवरी वाला है उसमें शेष 0। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं प्रश्न, बोला 5 फरवरी को शुक्रवार है, हम ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि फरवरी लीप ईयर वाला है कि दूसरा है। हम मान लेते हैं कि फरवरी में या तो दिन होंगे 28 या दिन होंगे 29, तो उसमें से 5 दिन कम कर दो तो बचे 23 दिन, या फिर बचेंगे 24 दिन अगर 29 से कम करते हैं। तो यहाँ पर 7 से भाग देने पर बचता है 2 दिन, यहाँ पर 7 दिन से भाग 3 दिन, तो हम फरवरी के लिए लिखते हैं या तो 2 दिन या 3 दिन। बाकी मार्च का है, 31 दिन का है, तो उसमें 3 3 बचते हैं। अप्रैल है, उसमें 2 2 बचेंगे 7 से भाग देने पर शेष। मई है, उसमें 3 3 बचेगा। जून में 2 2, जुलाई में 3 3, अगस्त में, अगस्त का उसने पूछा 10 अगस्त को, तो यानी कि अगस्त को 10 अगस्त, 10 को हम 7 से भाग देंगे तो 3 बचता है शेष और इधर भी 3। अब आ गया, ये दिन है आपके पास टोटल, इनसे जो है आगे आपका पता लगेगा कौन सा दिन होगा। इसमें भी क्या करना है, जो टोटल 7 होता जाता है उसको आप मत गिने, जैसे ये 2 और 2 4 और 3 7, ये जरूरत नहीं है गिनने की। यहाँ भी ये 2 और ये 3 और 5 और 2 7, ये भी जरूरत नहीं है गिनने की। अब बचा कितना, 3 2 5 और 6 11 बचा इधर और 12 बचा इधर। अगर 11 को मैं 7 से भाग दूँ तो शेष बचता है 4, यहाँ 12 को 7 से भाग दूँ तो शेष बचेगा 5। यानी कि शुक्रवार, जिसको कि हम नंबर 5 गिनते हैं, उसमें शुक्रवार को नंबर जब 5 गिना हमने, आप कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ समस्या आ गई, शुक्रवार जिसको 5 डे गिना था उसमें या तो 4 दिन ऐड करने होंगे या 5 दिन। तो 4 दिन की बात करें तो अगर मैं शुक्रवार को नंबर 5 गिना, उसमें 4 दिन ऐड करूं तो 9 हो जाता है। अब 9 को मैं 7 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 2 नंबर, 2 नंबर पे कौन सा दिन था, मंगलवार। और अगर मैं 5 दिन ऐड करूं तो आता है 10, 10 को 7 से भाग दूंगा तो 3, 3 नंबर पे क्या था, बुधवार। तो ऑप्शन आएगी बुधवार या मंगलवार। उसके बाद है, ये आ गया रिलेशन वाला। रिलेशन वालों में मुझे एक बात ध्यान रखिएगा, आपने क्या करना है, जब रिलेशन वाला आए सेम एज वालों को एक लाइन पर डिनोट करना है, और जो माता और बेटे वाला होगा, पिता पुत्र वाला होगा, पुत्री वाला होगा, उसमें स्टेप बनाना है, और आगे दादा वाला होगा उसमें एक स्टेप और ऊपर बना देना है, यानी कि दादा सबसे टॉप में, दादा दादी, फिर पिता, चाचा, ताई, बुआ, वो एक लाइन सेकेंड स्टेज पर, और थर्ड स्टेज पर आ जाएंगे भाई बहन होंगे, पति पत्नी होंगे, वो एक एज के होते हैं इसलिए वो उस तरह से आ जाएंगे। यहाँ ये सवाल में क्या है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, मतलब कि बी जो है ई जो है वो लड़की है, बी का पता नहीं लड़का है कि लड़की, रफ जाने, पर ई जो है बी की बहन है। लड़कियों के लिए क्या करना है, लेडीज़ के लिए आप इसको बना लीजिए कि ठीक है, जो लड़की आएगी तो मैं उसको नेगेटिव साइन में लिख दूंगा, लड़का आएगा तो उसको पॉजिटिव में, ताकि मुझे ये जेंडर की प्रॉब्लम ना आए बाद में। उसके बाद है ए सी का पिता है, यहाँ साइड में लिख लीजिए, ए सी का पिता है, ए पिता है तो पॉजिटिव है, सी का पता नहीं, ठीक है। बी सी का पुत्र है, अब आया बात सी यहाँ और ए यहाँ, ये पॉजिटिव है,
अच्छा बी जो है इसका पुत्र, ये पॉजिटिव है। अब ये इसका पुत्र है तो ये नेचुरली इसकी ये बेटी होगी, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, ए और ई का, तो नेचुरली ये दादा है, ये ए जो है ई का क्या लगेगा, दादा लगेगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है, अनामिका दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, और अब कोई दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा होगा तो उसका जो राइट हैंड साइड है, दक्षिण की ओर मतलब ये डायरेक्शन जो है ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ठीक है। अगर कोई दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है इधर, तो ये उसका राइट साइड होगी, ये लेफ्ट होगी, ठीक है जी। तो अब वो इधर को मुंह करके खड़ी है, यहाँ मान लो इस पॉइंट पर है, ऐसे है, और उसका मुंह जो है इधर को नीचे को है, 20 मीटर चलती है, वो 20 मीटर यहाँ चली, यहाँ पहुँच गई, उसके बाद दाएँ मुड़ती है, तो अब इसका राइट इधर है और लेफ्ट इधर, दाएँ मुड़ी और 15 मीटर चली, हमने 15 मीटर चला दिया, ठीक है, ये 20 था, ये 15, अब इसका राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर, इस फिर दाएँ मुड़ती है और 16 चलती है। अब आप इतना लिखिए कि 20 से थोड़ा सा कम, ऐसे ये 16 रख दीजिए, उसके बाद फिर इसका राइट इधर आ गया और लेफ्ट इधर, अभी फिर दाहिने मुड़ती है और 12 चलती है, तो ये 15 से थोड़ा सा कम, इतना ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये, पर पहले मैं इसको ये निकाल के देखूँ ये कितना आएगा, तो ये देखो जब मैंने यूँ काटा तो ये जो 20 था टोटल, यहाँ से यहाँ तक 20 था, इसमें से इतना ये 4 बचा और नीचे वाला 16, क्योंकि ये सामने 16 है, और नीचे जो 15 है, ये 15 जो है इसमें से जब ये 12 कम हो जाएगा तो ये जो नीचे बचेगा छोटा सा, ये कितना बचेगा, 3। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गई ऐसे करके, ये है इसका लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, और पाइथागोरस पेपर के लिए बचा कर नहीं रखनी कि आपने वहाँ लगानी है, ये आप प्रैक्टिस में ही लगा लें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ कि इसमें क्या करना है, इसमें अगर एक रेखा एक भुजा 3 है और दूसरी 4 है तो कर्ण 5 आएगा, ठीक है। अगर इसमें एक भुजा 8 है और दूसरी 6 है तो अगले ये आएगा 10 आएगा, एक अगर 5 है और एक 12 है तो ये 13 आना है, कर्ण जो है ये कर्ण है, ये आधार या लंब इनमें से कोई हो सकता है दूसरे वाला, तो यही इन्हीं तीन उसको मिलाकर सम आते हैं, तो आपने ये वैसे ही याद रखनी है। अगर 3 और 4 आया तो फिर आपका जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा, नेचुरली है 5, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 6 मित्र MNOPQR वृत्ताकार खड़े हैं, अब MNOPQR वृत्ताकार खड़े हैं, N O और P के बीच में है, N को लिख लिया मैंने यहाँ पर, N जो है कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, ये N है और ये किस में है, O और P के बीच में है, O और P के बीच में है, M जो है N और Q के बीच में है, M N और Q के, मैं यहाँ अगर M लिखूँ तो मुझे यहाँ Q लिखना पड़ेगा, ठीक है, और R जो है P के साथ खड़ा है, P के साथ खड़ गया, R P के साथ बना दिया, M और R के बीच में कौन है, M और R के बीच में कौन है, ये M है और ये R है, इसके बीच में Q है, कैसे, अब राउंड में देखें इस चीज़ को, यूँ थे और राउंड में खड़े थे तो ऐसे करके ये 4 बन गया और ये इसमें बना लो 6 लोगों के लिए जगह बन गई। अब Q से शुरू कर लो चाहे आप, या ये जो यहाँ चलो ये Q हो गया 1, फिर M, फिर O, फिर N, फिर ये आपका P और फिर R। अब ये R है और ये M है, उसने पूछा कि M और R के बीच में कौन है, M और R इसके बीच में क्या है, सबसे पहले हमने लिखा था Q, इनके बीच में क्या है, Q, ऑप्शन डी। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका 11वां अंक है तो आप पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, सपोज करो ये लेफ्ट साइड से है, आप लेफ्ट साइड या राइट साइड बोल सकते हैं, ऐसे खड़े हैं आप, बोला कि इधर से लेफ्ट से गिनना शुरू करते हैं तो आप 11वां नंबर पर हैं, और इधर से गिने तो भी आप 11वें नंबर पर हैं, तो ये टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं ये बताएं, ऐसा वो पूछ सकता है। दूसरा उसने क्या कर सकता है, दूसरा वो बोलेगा कि आप ऐसे ना गिन के, इस तरह से ना करके आप इसको मानिए कि आप ऐसे खड़े हैं, अब यहाँ से आपने गिना ऊपर से तो आपका यहाँ से यहाँ तक 11वां नंबर है, और नीचे से ऊपर गिना तो भी 11वां है, तो बताया कि इस पंक्ति में कितने हैं, ठीक है, 11 11 दिया है, अलग भी दे सकता है, एक 11 हो सकता है, एक 13 बोल सकता है, एक 23 बोलेगा, एक 47 बोलेगा, कुछ भी बोल दे, आपने ये याद रखना है कि आपने इन दोनों को ऐड करना है, किसको, जो नंबर दिए हों, 11 आगे से है और 11 ही इसका पीछे से है, और
दोनों का जो टोटल आएगा उसमें से एक कम कर देना है, तो 22 में से एक कम करेंगे तो 21 टोटल लोग होंगे उस पंक्ति में, तो 21 ऑप्शन सी आंसर है। उसके बाद है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। ये अभी तक आपको प्रश्न पेपर में, पुलिस के पेपर में तो नहीं आया है, लेकिन कोई संभावना ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इसको भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल फंडा है कि आपने इसमें अगर ऐसा कुछ आए तो इसको याद रखिएगा बस ना, आपने 11/5 से मिनट्स को मल्टीप्लाई करना है, मिनट्स को, जो मिनट्स आते हैं, मिनट्स आते हैं कैसे, मिनट्स मतलब ये इसमें अभी 8:20 हुए हैं तो आपने 11/5 से 20 को मल्टीप्लाई करना है और बाद में माइनस करना है किसको, 30 से मल्टीप्लाई करना है आवर्स को, आवर कितने दिए 8, अभी इसको 11/2 से करेंगे, अब 2 × 2 और 2 × 20 तो 11 × 110 माइनस 240 ये आ जाएगा आपके पास 130 माइनस का, तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें तो आई नहीं है, यहाँ नीचे शायद डी में है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अब माइनस में कौन इसलिए आया कि जब घड़ी होती है इसमें अगर मिनट वाली सुई और घंटे वाली, अगर मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस ना किया हो तो टाइम जो एंगल आएगा वो माइनस में आएगा। अगर यही चीज़ जो 8:20 हुए हैं ना अभी बता इसमें लिखा है, अगर यही चीज़ हम 8:50 के लिए करते तो ये सुई यहाँ ना होकर यहाँ होती, तो ये इसको क्रॉस, यहाँ से ये क्रॉस कर गई होती, तो आंसर जो है हमारा माइनस में नहीं आना था, अदरवाइज बाकी एंगल ठीक है, 130 ही आएगा। अब है लुप्त पद को चुने, लुप्त पद को भरो, तो इसमें क्या है, रिलेशन देखें कि उसने क्या किया है, उन्होंने लिखा है 3 / 1 - 1 कितना आएगा 2, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड डिवाइड करना है और एक घटाना है, अभी क्या है 105/7 - 1 ये आ जाएगा 15 - 1 = 14, ठीक है। तो अगला है 117/9 - 1, तो इसका पहले कितना आ जाएगा 13 - 1 यानी कि 12, तो आप किसको ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। इस प्रकार के समय बच्चों क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा, इस पर देखना है हमें तरीका, जो रकम लिखी है उसको फटाफट लिख लें आप, 10 × 5 = 3 - 2 + 2 ये लिख लिया, अब नीचे वैसे ही 10 × 5 = 3 - 2 = 2 अब जो रकम है उस पर चलना, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस है ना, ऊपर नीचे माइनस कर दिया आपने इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर लगा हुआ है, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या था, गुना कर दिया, और जो तकसीम का अर्थ है जमा, और जो गुना का अर्थ है वो है डिवाइड करना, तो 5 / 2 5 10/5 = 2 और 3 × 2 = 6 जमा 6 या -2, इस -2 से ये माइनस कट गया, आंसर 6 ऑप्शन सी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, अब देखिए आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए ए बी सी डी ई एफ, अब ये एक पहला स्वर ये है यानी कि वॉवल, सेकंड स्वर ये है, ई जो है 5वें नंबर पर आता है और इसका 7वां अक्षर, प्लस 7 कर लो 12वां अक्षर, 12वां अक्षर क्या होगा आप देखना जी, ए बी सी डी 4, ई एफ जी एच 4, आई जे के एफ, तो 12वां अक्षर है। उसके बाद है, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। एक प्रश्न का उत्तर दें, यदि आप अपने भाई से आज 2 साल बड़े हैं, 10 साल के बाद कितने बड़े होंगे अपने भाई से, 10 साल के बाद भी आप 2 साल ही बड़े रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी 10 साल बढ़ेगी तो उसकी भी 10 साल बढ़ जाएगी, 100 साल के बाद भी वही होगा, इस प्रकार दोनों की आयु में वृद्धि होने पर उनकी जो अंतर है वो बदलता नहीं है। इसने दिया है अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, यानी कि 4 साल बाद भी उनकी आयु का अंतर जो है वो 6 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया उनकी आयु का एक्चुअल अंतर। और दूसरा जो अनुपात में अंतर दिया होता है वो देखते हैं वो कितना है, वो है 4 में से 3 चल जाएंगे 1, यानी कि अनुपात का 1 जो है वो 6 साल के बराबर है, तो 3:1 किसके बराबर होगा, 3:1 बराबर होगा
3 × 6 = 18, और जो 4 अनुपात है वो किसके बराबर होगा, 4 × 6 = 24। तो उसने पूछा 4 साल बाद बताया है, तो अब मैं 4 कम कर दूँ तो 14 साल उसकी आज की एज है, इसमें से भी 4 कम किए तो 20 साल इसकी आज की एज है। 14 और 20 का अनुपात उसने पूछा क्या कि सुधीर की वर्तमान आयु क्या होगी, सेकंड नंबर पर कौन है, सुधीर है, तो हमारा ये सुधीर जो है ये 20 साल का, ठीक है जी, वर्तमान आयु उसकी 20 साल है। उसके बाद है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल 50-50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं, प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी। इसमें आप देखिएगा इस तरह के सम करने के लिए क्या करना होता है, जो पोल्स हों नंबर ऑफ पोल में से एक कम करना है और उसको दूरी से गुना करना है, आंसर आ जाता है। यानी कि 50 × 9 में से एक कम किया 8, कितना आ जाएगा 400 मीटर, तो वो एक बी ऑप्शन है। वैसे भी देख लीजिए, चाहे आप 1, 2 पोल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और गैप कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 50 का गैप एक है, 8 के करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है जी, दोनों से बताएं। 33 प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ बताएं, मुहावरे का अर्थ बताएं, तालू में जीव ना लगना, इनके बिल्कुल भी चुप ना रहना, पानी ना मांगना, पानी ना मांगना मतलब तत्काल मर जाना, ऑप्शन बी। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन है, भारतीय संविधान के 343 नंबर अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन है, आप 343। अंधकार का पर्यायवाची क्या है, जो तिमिर, ये बहुत कॉमन है, आपको भी बहुत बार पेपर में आपने देखा होगा तिमिर। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऋषि भागीरथ जो है गंगा जी को लेकर आए थे धरती पर, तो उन्हीं के गंगा का एक नाम भागीरथी भी है, तो इसका पर्यायवाची गंगा। स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि जो है ऑप्शन ए स्वर संधि है। इसके बाद है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ शब्द में ई और अ की संधि हुई है, तो इसमें ऑप्शन ए। उसके बाद है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, ईस्ट। अगला है, द्विगु समास के बारे में बताइए, द्विगु समास नंबर के रिलेटेड होता है, तो जो संख्या नंबर के बारे में बताएगी उस वो द्विगु समास होगी। फर्स्ट है त्रिलोक, त्रिलोक मतलब तीन लोक, ये नंबर के बारे में बता रही है इसलिए ये आंसर होगा। पंचांग जो है वो नंबर के बारे में नहीं बता रहा, उसका 5 अंग नहीं है, उसका अर्थ होता है पंचांग का, पंडितों की जो किताब होती है जिसमें कि वो ज्योतिष गणना करते हैं, जिसके अनुसार वो पंचांग कहलाती है। तो यहाँ सिर्फ एक शब्द है जो अंकों के बारे में बता रहा है, तो तीन लोग फिगर्स नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी गृहिणी। उसके बाद अगला है आपका व्यवहारिक, व्यवहारिक का ऑप्शन ए व्यवहारिक। छह का उतारण स्थान क्या है, छह जो है चवर्ग में है, तो इसका उतारण स्थान क्या होगा, तालव्य होगा। उसके बाद है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह क्या होता है, सर्वनाम होता है, लेकिन यह जो है इस वाक्य में, यह घोड़ा मतलब कौन सा घोड़ा, यह वाला, तो ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम होगा तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तरुण शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है, तरुण बिल्कुल फ्रेश न्यूली चीज़ को बोलते हैं, जैसे पौधे से नई कलियाँ निकलती हैं वो तरुण होते हैं, इसी प्रकार छोटा बच्चा होता है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, विपरीतार्थक क्या बनेगा, वृद्ध शब्द, वृद्ध। कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाला, यानी कि देश से ऊपर, देश से बाहर की बात, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, चाहे वो दो से रखे अंतर्राष्ट्रीय। आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, आँख का चक्षु लोचन विलोचन ये सभी आँख के हैं, तो ये जो है ये आँख का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ है, चैडविक फॉल बहुत ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ, ये शिमला में ही है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है, तो यमुना नदी का पौराणिक संबंध सूर्यदेव से है। उसके बाद है, कौन सा दर्रा लाहौल से चंबा जिले के भरमौर इलाके को जोड़ता है, जो कोई भी आप में से मणिमेश कभी गया होगा तो उसको पता होगा कि कुप्ती होकर जाते हैं और लाहौल वाले मणिमेश के बैक साइड को वहाँ से आते हैं, अगर कुप्ती होकर जाएं तो वो परिक्रमा पूरी की जा सकती है, तो कुप्ती दर्रा जो है लाहौल और चंबा को जोड़ता है। उसके बाद है, 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था, ये हमीरपुर में नदौन के पास एक जगह है महल मोरिया, वहाँ हराया था। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था, राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। कौन सा भवन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित है, शिमला में है जी, ये है पीटर हॉफ। निम्नलिखित में से 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था, तो चंबा मंडी सिरमौरी हिमाचल के जिले थे, 1951 में भी शिमला जो था पंजाब हिल स्टेट्स में शामिल था, हमारे अनपास नहीं था।
हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, वे तांबे का अच्छा इस्तेमाल करते थे, उनके पास उनको तांबे का ज्ञान था, तभी तो हड़प्पा युग को ताम्र युग कहा जाता है, लोह युग नहीं कहते, इसलिए लोहा इसका आंसर होगा। जिस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, उस शासक का क्या नाम था? उसका नाम था उदयन। इस प्रश्न से आपको और भी मिलेगा कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, पटना, और जो गंगा और सोन नदियों के तट पर बसा हुआ है वो कौन सा शहर है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। इसके आगे है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रबदई ने लिखी थी। चंद्रबदई पृथ्वीराज के ही बराबर उम्र के थे, उनके मित्र थे, तो उनके बारे में उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी, पृथ्वीराज रासो। गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931 से किससे संबंधित है? गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था, जिसके वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने नहीं गए। अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी इसमें आएँ, तो इरविन ने गांधी जी से समझौता किया 15 मार्च 1931 को, और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए भी, लेकिन वहाँ पर सांप्रदायिक चुनाव को लेकर, सांप्रदायिक तरीके से चुनाव को लेकर भारतीयों में ही आपस में सहमति नहीं बनी और इस ये बैठक का कोई रिजल्ट नहीं निकला। गांधी जी जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि इरविन ने जो उनसे वादा किया था वो भी पूरे नहीं किए हैं, तो गांधी जी ने आकर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन के समय भी वो जारी रहा, तो इसलिए गांधी जी उसमें थर्ड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी नहीं गए, उन्होंने सिर्फ सेकेंड में ही भाग लिया था। तीनों जो सम्मेलन है उनमें भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, वह कौन सा ग्रह या तारा है जो सुबह और शाम दोनों समय दिखाई देता है? तो वो है शुक्र ग्रह। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है, ठीक है जी। उसके बाद आता है, किस कैदी को न्यायालय के सामने पेश करवाने के लिए किसी रिट की आवश्यकता पड़ती है? जब कभी भी किसी व्यक्ति को नाजायज तौर पर हिरासत में लिया जाता है और उसका वेयर अबाउट नहीं बताया जाता है, तो आप उसके लिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक अधिकार आपका आर्टिकल 32 के अंडर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो बंदी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकें, और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो इसलिए है कि जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है उसे हमारे सामने पेश किया जाए। तो कौन सा आंसर होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिट्स का आपको स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है, रिट्स के बारे में वैसे भी पूछा जा सकता है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब शुरू हुआ? तो 1998 से शुरू हुआ। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? संविधान जब बना तो उसमें 3 सूचियां थी, संघ सूची जो इस पर की केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर की राज्य सरकार कानून बना सकती है, और संवर्ती सूची जिस पर की दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन यदि दोनों में मतभेद हुआ तो राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा, केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। जब ये संविधान बना तो इस संघ सूची में 97 विषय थे, और अब उसमें कितने विषय हैं? 99, ठीक है जी, ऑप्शन डी। आगे आ है इंग्लिश का पोर्शन, के सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ बोल्ड वर्ड, जो बोल्ड वर्ड हैं उसके नियरेस्ट मीनिंग, उसका यानी कि सिनोनियम क्या है, और डायरेक्ट सिनोनियम ना पूछकर नियरेस्ट इन मीनिंग शब्द लिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेंज का क्या सबसे अलग मीनिंग होता है? यूनिक, सबसे अलग, स्ट्रेंज दिखाई, यूनिक होगा तभी दिखाई देगा, वो स्ट्रेंज भी दिखेगा, ठीक है। एग्जॉर्ट होता है एनकरेज कर देना। हाउ द वर्ड हार्ड इज यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पहला सेंटेंस है शी फाउंड द वर्क क्वाइट हार्ड। अब शी फाउंड इसमें वर्ब है, अब हम वर्ब से पूछेंगे वट या होम, फाउंड वट, क्या फाउंड? वर्क, अच्छा जी वर्क तो था, लेकिन वर्क कैसा था? हार्ड था, यानी कि वर्क हार्ड यहाँ पर वर्क की विशेषता बता रहा है, तो हार्ड क्या होगा आपका, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्वाइट क्वाइट हार्ड की विशेषता बता रहा है कि हार्ड कितना हार्ड, क्वाइट हार्ड, तो वो क्वाइट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन हमें क्वाइट से मतलब नहीं। हम अगले सेंटेंस पर आते हैं, शी वर्क क्वाइट हार्ड, अभी देखिए शी वर्क वट कुछ नहीं आया, शी वर्क होम कुछ नहीं आया, इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब वर्कड हाउ, कैसे काम किया उसने, हाउ का अप्लाई जो देंगे वो एडवर्ब होता है, तो हाई कर हाउ का अप्लाई आ रहा है कि उसने कैसे काम किया, क्वाइट हार्ड काम किया, तो यहाँ पर हार्ड शब्द जो है ये वर्कड की विशेष वर्क की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर तो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, क्या आएगा आपको इसमें, इसमें आएगा आपका कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का
जो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर हार्ड, एक में एडजेक्टिव और एक में एडवर्ब, ठीक है जी। उसके बाद अगला अगला है, ये पैराग्राफ बनाया गया है, ये आपको जंबल सेंटेंसेस टाइप में आते हैं, उसमें भी शब्द किसका क्या मीनिंग है, वो कब पहले लगेगा या बाद में लगेगा, उसके अनुसार मतलब उस तरह के प्रश्नों को आप कर सकें, आपकी समझ उस तरह से डेवलप हो कि उसका प्रयास किया गया है। देखिएगा इसमें है नंबर लिखा, जो नंबर लिखा गया है नीचे उसकी चार ऑप्शंस दी गई हैं, उसी नंबर पर उस नंबर के खालिस्तान में उस उन चार ऑप्शन में से एक चीज़ भरी जाएगी। ऑन वन ऑन फाइन मॉर्निंग अ मैन नॉक्ड एट द डोर ऑफ द होम्स फॉर द एज्ड रन बाय द नंस। एक फाइन मॉर्निंग पर एक आदमी दरवाज़ा खटखटाता है, किसका, ऐसी जगह का जो कि एज लोगों के लिए घर के तौर पर है, और वो चलाया किसके द्वारा जाता है, नंस के द्वारा। तो हम मैंस के लिए क्या लिखते हैं, मैन के लिए या लेडीज़ के लिए, हम लिखते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऐसा बोलते हैं ना, तो यहाँ आएगा जेंटल, पहला 68 में क्या आएगा, जेंटल ए। उसके बाद है ही टोल्ड द नन इन चार्ज, उसने नन इंचार्ज को बताया दैट ही एज ही वॉज ट्रांसफर्ड, दिल्ली को ट्रांसफ़र हो गया है। देखिए ये सेंटेंस जो है ही वॉज लिखा हुआ है, तो वो ही के साथ जब वॉज लगता है तो उसके बाद वी वन और आई एन जी लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, या फिर वो पास्ट कंटिन्यूस के लिए, या फिर वो सेंटेंस जिसमें कि ही और वॉज लगा है तो वी थ्री लगेगी अगर वो पास्ट का इंडेफिनिट है, उसका पैसिव है, ठीक है। अब मूव इंसान खुद होता है, शिफ्ट भी वो खुद करता है, चेंज्ड उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन ट्रांसफ़र वो खुद नहीं होता, उसको कोई और करता है, तो जब ट्रांसफ़र वाला सेंटेंस लिखा जाएगा तो वो पैसिव में ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है, इसे आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ही उपयुक्त वर्ड होगा। एज ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली, किसने किया उसको, बाय हिज ऑफिसर्स, वो शब्द जिन्होंने जानबूझ कर लिखा नहीं होता, ताकि आपको इसका कन्फ्यूज़न रहे, लेकिन अभी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है अगला वर्ड कि वॉन्टेड टू लीव हिज सर्वेंट मेड, मतलब कि दिल्ली को ट्रांसफ़र हो गया है इसलिए वो अपनी सर्वेंट मेड, यानी कि उसकी कोई नौकरानी होगी जो कि औरत होगी, लड़की होगी, टू द कस्टडी ऑफ द नंस, किसी के पास छोड़ के जाना, केयर के, केयर में छोड़ के जाना नहीं होता, किसी के घर में छोड़ के जाना नहीं होता है, और क्योंकि वो हाउस चलाया जा रहा है एज्ड के लिए, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए, तो वो कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का घर नहीं है जिसको आप होम लिखेंगे। और प्रोटेक्शन में छोड़ के जाना, प्रोटेक्शन हम करते हैं आर्मी के पास या पुलिस के पास, अगर वो कहीं किसी एज्ड वालों के लिए होम है उसमें छोड़ के जा रहा है तो वो उसमें आएगा कस्टडी में, उनकी में, कि आपकी निगरानी में छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा, इसकी जो भी ज़रूरतें होंगी उनको पूरा कीजिएगा। उसके बाद आता है ही अशोर्ड द नंस ऑफ, हमेशा अशोर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 71 का ऑफ, ठीक है जी। उसके बाद है सेंडिंग सम मनी एवरी मंथ बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन, उसने नंस को अशोर्ड किया कि मैं कुछ पैसे भेजता रहूँगा क्योंकि ये लड़की ऑर्फन है, इसके लिए पैसे भेजने का, इसका खर्चा उठाने वाला कोई और नहीं है। द नन डैश हर सेइंग दैट शी हैड गॉट एन एक्सलेंट मास्टर, नंस ने क्या किया, उसने उसको कंसोल किया कि आप लकी थे कि आपको एक्सीलेंट मास्टर मिला, ठीक है जी। अब हम जब किसी से दूर जा रहे होते हैं, कोई हमें छोड़ के जा रहा होता है, या किसी घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाए, उसको कोई छोड़ के चला गया उनका फैमिली मेम्बर, तो हम क्या करने जाते हैं, कंसोल करने जाते हैं, उनको सांत्वना देने जाते हैं। तो यहाँ पर उसने उसको सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लकी थी कि तुम्हें एक्सीलेंट मास्टर मिला था, बहुत अच्छा इंसान मिला था। आगे है अपोजिट वर्ड्स चुनने हैं, एस्टैब्लिश्ड होता है कि जैसे मान लो आप क्रिकेट टीम में प्लेयर है कोई, वो एस्टैब्लिश्ड है, नंबर 5 पे खेलता है, तो उसके अगेंस्ट कैसा आएगा, कोई नया प्लेयर आएगा, तो मतलब न्यू। अगर उल्टा बोलना है, अगर अपोजिट चाहिए तो एस्टैब्लिश्ड का न्यू। गार्जियन किसको बोलते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा भतीजा होगा या भाई का बच्चे होंगे, अगर उनके स्कूल में उनका कुछ काम है और मैं साइन करता हूँ, तो मैं एज ए गार्जियन साइन कर रहा हूँ, और वो क्या कहलाएंगे, वार्ड्स कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी बच्चे को हम अपने पास रख के पढ़ा रहे हैं तो भी वो हमारे वार्ड्स में आएगा, अगर हम उसको कागज़ों में वैसा ले लेते हैं तो, ठीक है जी। गार्जियन और वार्ड, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स, अब द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल टू डैश द आइडिया कंटेन इन द पोइम, टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दी किस चीज़ के लिए, कि जो पोइम में आइडिया है उसको बाहर लाया जा सके। अगर टीचर पढ़ा रहा है पोइम तो उसका पहला फर्ज बनता है कि पोइम लिखी क्यों गई है, उसका असली मकसद क्या है, उसके बारे में बताया जाए, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, ब्रिंग आउट। अच्छा आगे राम एग्रीड टू डैश माई ऑर्डर, ऑर्डर हमेशा कैरी आउट होते हैं, ठीक है जी, तो हमेशा कैरी आउट, राम एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स।
वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसके बाद, उसमें क्या है, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, बहुत अच्छे से लिखने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं हम, कैलीग्राफर, तो ऑप्शन सी। उसके बाद है अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स, ये होती है सोनेट। इंग्लिश लोग, इंग्लिश पोइम लोग जो पोइम लिखते हैं, क्योंकि 14 लाइनें की हो, 14 लाइन्स की हो, उसको क्या बोलते हैं, वो सोनेट बोलते हैं। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं आपने अपॉलॉजी और कमिश्नर के, तो अपॉलॉजी के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो 13 इसका सी ऑप्शन है, और कमिश्नर के जो स्पेलिंग है इसका भी सी ऑप्शन है। आप एक काम कीजिएगा, इंग्लिश में जो जिस जिन शब्दों में डबल एम, डबल एस, डबल टी आता है, उनको ठीक से पढ़िएगा, उनकी संभावना ऐसे स्पेलिंग एरर ज़्यादा होती है। या कई ऐसे साउंड अक्षर हैं जिसमें स की साउंड आती है, कई बार एस से किया होता है, कई बार सी से की होती है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसी के साथ, इसके अतिरिक्त आप चाहते हो कि मैं किसी और विषय पर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या इसी प्रकार से एक और पेपर लेकर आऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे सा परफॉर्म करें आप सभी, आप भविष्य सुखमय हो। धन्यवाद।